दर्शकों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल नॉलेज फैक्ट्री में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस है उसके कितने सोर्सेस हैं, वो कैसे बनता है और समुद्र का कितना बड़ा रोल है इस ऑक्सीजन को बनाने में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सभी जीवों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और हमें पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस 21% है। हम ये भी जानते हैं कि धरती पर रहने वाला हर जीव हर वक्त ऑक्सीजन गैस को कंज्यूम कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में छोड़ रहा है, पर हमारे लिए कभी भी ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ती क्योंकि अर्थ का मैनेजमेंट मदर नेचर यानी कि प्रकृति के पास है। उसने हर चीज की व्यवस्था करके रखी है। इस O2 यानी कि इस ऑक्सीजन गैस का सप्लाई चेन कभी नहीं टूटने वाला। इस ऑक्सीजन गैस को बनाने में जो सबसे बड़ा योगदान है वो है एक प्रक्रिया जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया में पौधे यानी कि प्लांट्स सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपना खाना शुगर फॉर्म में बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये पेड़ पौधे होते कहाँ पे हैं, तो आपका जवाब होगा जंगलों में, गाँव में, हमारे आसपास अमेजन रेन फॉरेस्ट में, इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में, भारत के वेस्टर्न घाट में, यहाँ तक कि रेगिस्तानों में भी कैक्टस उगते हैं। पेड़ पौधे लगभग हर जगह हैं। पर दर्शकों यह बात जान के आपको हैरानी होगी कि इतने सारे पेड़ पौधे मिलकर भी एटमॉस्फेयर का करीब 30% ऑक्सीजन ही बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, केवल 30% ऑक्सीजन। अब सवाल ये उठता है कि बाकी का 70% कौन बना रहा है। इसका जवाब है प्लैंकटन यानी कि शैवाल। ये प्लैंकटन प्लांट ऑर्गेनिज्म ही है, बट इतने सूक्ष्म होते हैं कि नॉर्मल आंखों से इसे नहीं देखा जा सकता, सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही इसे देखा जा सकता है। आप यहाँ पे प्लैंकटन का माइक्रोस्कोपिक इमेज देख सकते हैं, ये कितने सूक्ष्म होते हैं। पर कभी कभार आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो भी वाटर बॉडीज रहती हैं, चाहे वो झील हो या तालाब हो, उसका रंग आपको हरा दिखाई देता होगा। ये जो हरा रंग है ये इस फाइटोप्लैंकटन का ओवर पॉपुलेशन को दिखाता है, यानी कि उस वाटर बॉडी में फाइटोप्लैंकटन की संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि उसका रंग हरा हो गया है। और आप सभी को पता है कि इस हरे रंग का राज क्लोरोफिल होता है। ये फाइटोप्लैंकटन भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, पर कुछ मात्रा में ऑक्सीजन पानी में भी डिसॉल्व होता है जिसे हम लोग डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। इसी ऑक्सीजन को यानी इसी डिसॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करके पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं वो जिंदा रहते हैं और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है मछलियाँ। हम जानते हैं कि धरती पर 3 हिस्सा तो पानी का है और यह फाइटोप्लैंकटन पूरे के पूरे ओशियन पे फैले हुए हैं, यानी कि लगभग धरती का हर जगह हर वाटर बॉडी में प्लैंकटन मौजूद है और सबसे बड़ा वाटर बॉडी क्या है, समुद्र। यही कारण है कि प्लैंकटन इतनी ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो थैंक्स टू आवर ओशियन जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है ऑक्सीजन के रूप में, जिसे हम लोग हर वक्त कंज्यूम कर रहे हैं। तो चलिए आप भी एक बार थैंक यू बोल दीजिए हमारे ओशियन को और आप भी सहायता कीजिए कि ओशियन का यानी कि मरीन इकोलॉजी कभी भी डिस्टर्ब न हो। अब हम लोग बात करते हैं उस 30% ऑक्सीजन की जिसका निर्माण धरती पे उगने वाले पेड़ पौधों के द्वारा होता है। हम ये जानते हैं कि लगभग हर पेड़ पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, पर कुछ चुनिंदा पेड़ पौधे ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। तो आइए हम कुछ उसी पेड़ पौधों के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। शुरुआत करते हैं बैम्बू यानी कि बांस के पेड़ से। बांस का पेड़ दूसरे किसी भी पेड़ की तुलना में वॉल्यूम वाइज सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करता है। बांस की कुछ खासियत यह है कि यह करीब हर 40 मिनट में 1 इंच बड़ा हो जाता है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील से भी ज्यादा होती है। और एक इंटरेस्टिंग बात,
हिरोशिमा में जब एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था तो उसके रेडिएशन से लगभग हर पेड़ पौधा डिस्ट्रॉय हो गया था। सिर्फ बांस ही इकलौता ऐसा पेड़ था जो कि उस रेडिएशन से भी बचा रहा। दूसरा जो पेड़ है वो है पीपल का पेड़। यह करीब 800 से 3000 साल तक जिंदा रह सकता है और ऐसा माना जाता है कि पीपल का पेड़ 2400 घंटा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करने के साथ साथ यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस को भी कंज्यूम करता है जो कि एक जहरीला गैस है और पीपल के पेड़ का आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। एक और पेड़ है जो है बरगद का पेड़ यानी कि बैनियन ट्री। यह भारत का नेशनल ट्री है। यह 1000 साल से भी ज़्यादा समय तक जीवित रह सकता है। यह पेड़ भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है और इसका फैलाव इतना ज़्यादा होता है कि कई सारे लोग एक साथ इस पेड़ के नीचे शेल्टर ले सकते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ साथ ये छाया देने का भी काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं नीम के पेड़ की। नीम का पेड़ एक एयर प्यूरिफायर है। लार्ज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के साथ ही साथ यह बहुत सारे हार्मफुल गैसों को भी कंज्यूम करता है और आयुर्वेद में इसका भी बहुत ही ज्यादा महत्व है। अगला जो पेड़ है उसका नाम है बेल का पेड़। इसमें भी वही खासियत है कि यह बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को रिलीज करता है। पर इस बेल के पेड़ को हम लोग क्लाइमेट प्यूरिफायर भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारी जहरीली गैस को खुद में कंज्यूम कर लेता है। इसकी ये सबसे बड़ी खासियत है। और आखिरी में जिस पौधे के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसे क्वीन ऑफ हर्बल कहा जाता है यानी कि तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा का आयुर्वेद में क्या महत्व है मुझे ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं, हर कोई इसके बारे में जानता है। एक खास बात यह है कि तुलसी का पौधा जहाँ भी होता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को शुद्ध रखता है। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। आगरे का ताजमहल, नो डाउट हर कोई इसे भली भांति जानता है। एयर पॉल्यूशन के कारण ताजमहल अपनी छटा को धीरे धीरे खोता जा रहा था। तब वहाँ की सरकार ने यह फैसला लिया कि वो तुलसी के पौधों का बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में गार्डनिंग करेगी। नो डाउट उन्होंने बहुत सारे अलग डिसीजन भी लिए पर तुलसी का पौधा का प्लांटेशन किया गया। धीरे धीरे ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में रहने के कारण ताजमहल को अपनी खूबसूरत सफेद छटा वापस मिल गई और फिर से वह दूधिया कलर में चमकने लगा। आप सबों को यह सब जानकारी देके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी पेड़ पौधों को बचाने में अपना योगदान देंगे और उन्हें लगाने में भी अपना योगदान देंगे। तो दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।